उत्तर प्रदेश के बरेली में पूर्व बीजेपी विधायक पप्पू भड़तौल के करीबी भूमाफिया राजीव राणा पर अब प्रशासन ने शिकंजा कसा है। राजीव राणा के होटल और मार्केट को तोड़ने के लिए बीडीए यानी बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। किसी भी तरह के विरोध को रोकने के लिए कई थानों की पुलिस भी मौके पर मौजूद है। पीलीभीत हाईवे पर करीब एक घंटे तक 100 राउंड हुई थी फिल्मी स्टाइल में फायरिंग। कड़ी सुरक्षा के बीच ध्वस्तीकरण, राजीव राणा के होटल के बाहर अंधाधुंध गोलियां चली थी और ऐसा लग रहा था कि किसी फिल्म का सीन वहां पर शूट किया जा रहा हो। और अब बरेली भूमाफिया राजीव राणा पर एक्शन लिया गया है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये बड़ा एक्शन शुरू किया है। जो गोली का कांड हुआ है इसमें इनके पास 4 बिल्डिंग्स है, चारों अवैध निर्माण है। उसमें 2 में ऑलरेडी हम लोग नोटिस हो चुका है, एंटायर सुनवाई का प्रक्रिया भी पूरा हो गया, ध्वस्तीकरण आदेश भी हो गया है। ये दोनों बिल्डिंग अभी आपके सामने हैं, उसका जो गिरवाने का हम लोग प्रक्रिया सुबह से शुरू कर चुका है। रिमेनिंग दोनों बिल्डिंग के लिए नोटिस हम लोग इशू कर चुका है एंड आज सील हो जाएगा। एंड जैसे उनका सारा प्रक्रिया सुनवाई का उनका सारा मौका देते हुए उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी।